और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और अब बीजेपी ने ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें दादर नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो बीजेपी ने जिन राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें दिल्ली की बात करें तो ईस्ट दिल्ली की सीट हर्ष मल्होत्रा को दी गई है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट श्री योगेंद्र चंदोलिया को दी गई है, वहीं गुजरात की साबरकांठा सीट श्री भीकाजी दूधाजी ठाकुर को दी गई है। इसके अलावा हरियाणा की अंबाला सीट की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें श्रीमती बंतो कटारिया को ये सीट दी गई है। सिरसा से श्री अशोक तंवर को सीट दिया गया, करनाल से मनोहर लाल खट्टर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो मनोहर लाल खट्टर जो कल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, वो करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। करनाल से बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर को बीजेपी इस बार चुनाव लड़ाएगी। इसके अलावा शिमला से सुरेश कुमार कश्यप को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम नाम जो इस वक्त बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में शामिल किए हैं, उन नामों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें नागपुर से नितिन गडकरी का नाम शामिल है। इससे पहले दिल्ली की 5 सीटों के अनाउंसमेंट बीजेपी ने कर दी थी, 2 सीटें रह गई थी, जिसमें 2 सीटों का अनाउंसमेंट भी आज बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा करनाल से मनोहर लाल खट्टर का नाम शामिल है इसी लिस्ट में। नागपुर से नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे। तो ये वो लिस्ट है जिसका इंतजार था। सीईसी की मीटिंग 2 दिन पहले हो चुकी थी और इंतजार था इस दूसरी लिस्ट का। इस दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कई नामों को शामिल किया है, जिसमें